नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं चुनाव की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। सत्ता की सनक का एक और नमूना छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखने को मिला है। यहां बीजेपी सांसद के बेटे ने एक पत्रकार के घर में घुसकर दिन दहाड़े उसके मां बाप को इतना मारा कि पूरा शरीर खून से लाल हो गया। बुजुर्ग महिला को बेल्ट से इतना पीटा गया, इतना मारा गया कि अस्पताल में उनको एडमिट कराना पड़ा। कई टांके लगे हैं। सांसद के बेटे पर खून सवार था। पत्रकार का कसूर इतना था कि एक भ्रष्टाचार की खबर को उसने सांसद के बेटे की धमकी के बावजूद छापा। बुजुर्ग पर जानलेवा हमला करने वाला सांसद का यह सिरफरा बेटा कुछ ही घंटों में थाने से छूट गया। गिरफ्तारी तो ही लेकिन छूट गया। अब सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसद का बेटा होने का अर्थ किसी को भी इस तरह पीटने का लाइसेंस मिल जाना है? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसद का बेटा होने का अर्थ किसी बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर थाने से छूटने की गारंटी होना है? क्या सियासी गुंडे के खौफ के माहौल पर परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या आप इसकी आस रख सकते हैं? ये अहम सवाल है आज के। बुजुर्ग दंपति की बेरहम पिटाई, सिर से लेकर पैर तक खून से लाल, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें किसी भी सामान्य इंसान को विचलित कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके सिर पर सियासी गुंडागर्दी सवार हो तो ना तो आप विचलित होंगे और ना ही परेशान। अगर आप सरगुजा सांसद कमलभान सिंह के बेटे हैं तो आपको आसपास के 52 गांव के ऐसे गरीब लोगों को पीटने का लाइसेंस मिल जाता है। अगर किसी कमजोर को पीटते पीटते आपकी बेल्ट टूट जाए तो पुलिस का बेल्ट लेकर खून बहा सकते हैं। पीड़ित को जी भर कर पीटने के बाद उसे अगली बार गोली मार देने की चेतावनी देकर बड़े आराम से जा सकते हैं। पेपर छापते हो कहा थे तो वो पानी टंकी का कहे तुमको मना करे थे तो तुम नहीं माना है तो तुम्हारा बेटा को लुकाते हो कहीं कि मेरे को आके एक बेलट पुलिस का बेलट से मार दिया। इसके बाद मेरा औरत आ गया जानकी कि इसको काहे मार रहे हो मेरा मालिक को, तो उसको बहुत मारा, 2-4-5 बेलट। तो एक बेलट यहाँ पड़ा तो वो पुलिस का वो जो एसन है वो गिर गया नीचे। हाँ, बहुत डर है, जब कहीं से झिझक पाऊंगा जब मर्डर करूँगा तुम हमारा का कर लोगे, मैं तो 52 गांव का मालिक हूँ। भ्रष्टाचार के मामले अखबार में छापने का खामियाजा एक पत्रकार को कुछ इसी तरह चुकाना पड़ा। मामले में दबाव बढ़ा तो पुलिस ने केस दर्ज कर सिर फिरे जनपद अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। कल रात में हमारे पास में खबर आई थी कि उन्होंने किसी पत्रकार के साथ में मारपीट की है। अभी उनको FIR करके थाने में बिठाया हुआ है। 294-323 में FIR कायम हुआ है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारी की बात इधर खत्म हुई और उधर सांसद के बेटे को जमानत मिल गई। गुंडागर्दी को लेकर सवाल बीजेपी पर भी उठे। गृह मंत्री रामसेवक पैकरा से लेकर वरिष्ठ नेता तक सभी इसे निजी मामला बताकर बीजेपी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। मैं भी पूरी जानकारी से अवगत नहीं हूं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा और जैसा कि जानकारी हुआ है कि उसकी शायद गिरफ्तारी हुई है, ऐसा जानकारी हुई है और उसकी भी जांच कराया जाएगा कि पुलिस के बेल्ट के माध्यम से अगर ऐसी घटना घटी तो भी जांच का विषय जांच कराएंगे। यदि सांसद के सुपुत्र ने तोड़ा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस ने की है और सांसद जी का भी वक्तव्य आया ही है। देखिए, उसका शुरू से उदंड रहा है वो और उसकी पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जरूर इस पर तल्ख तेवर अपनाए। बीजेपी पर भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए गुंडागर्दी और भय का माहौल बनाने का आरोप लगाया। सांसद पुत्र पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं करते रहे हैं और प्रजातंत्र में इसकी जितनी कड़ी निंदा, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ना तो जनता के विकास से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, दादागिरी, आतंक का ये माहौल खड़ा करना चाहते हैं। देवेंद्र सिंह नाम के ये शख्स सिर्फ सांसद के बेटे नहीं, ये खुद जनपद अध्यक्ष भी हैं। मारपीट करना, धमकी देना देवेंद्र सिंह का पुराना शगल रहा है। इससे पहले खुद सांसद कमलभान सिंह का फोन पर धमकी देने का ऑडियो भी वायरल हो चुका है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेता को बेटों से जूते मरवाने की धमकी देते सुनाई पड़े थे। आज बेटे ने जूते की जगह बेल्ट उठाया और बीजेपी नेता की जगह एक पत्रकार के माँ बाप को लहूलुहान कर दिया। मनोज सिंह, IBC 24, अंबिकापुर।
तो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का बेटा खुद एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति किसी की इस कदर पिटाई करता है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके कहने के बावजूद किसी खबर को छापा गया। किसी भी बात के विरोध करने के लोकतंत्र में अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन पुलिस के बेल्ट से पिटाई करना, इसके बारे में भी तमाम लोगों ने कहा कि आखिर उनके हाथ में पुलिस का बेल्ट आया कहाँ से, क्या जो साथ में सुरक्षाकर्मी क्या है उनका बेल्ट था। इस तरह के तरह तरह के सवाल उठे। एक तरफ पार्टी ताकीद करती है कि आपको अपने आचरण को ऐसा बनाना है कि पार्टी पर कोई दाग ना लगे, लेकिन ये एक दाग एक बार नहीं कई बार लगता दिखा, ऐसे तमाम इलाके के नेता बोलते हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ में तीन बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे उनका परिचय कराते हैं। आर के राय साहब हैं, रिटायर्ड DSP हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, पुलिस पर कितना प्रेशर, किस तरह का प्रेशर रहता है, आज इस विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिनके जिम्मेदार विधायक के पुत्र के सांसद के पुत्र के ऊपर ये जो आरोप लगा है, अब ये अपनी बात करेंगे श्रीचंद सुंदरानी साहब कि क्या उनकी पार्टी इससे अलग हो सकती है। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और सियासत को भी समझते हैं और इस तरह के तेवर को भी। तीनों का आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। राय साहब, शुरुआत आपसे करेंगे, पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर ऐसा रहता है किस तरह के मामले में, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठा कि गिरफ्तारी हुई और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया, धाराएं ऐसी लगाई गई जो काफी हल्की थी, दूसरी तरफ किसी का सिर जो है उसको इतनी बुरी तरह से जख्मी किया गया कि अभी भी वो अस्पताल में है, ऐसा बताया गया। इस संबंध में मैं लीगल ही चर्चा करूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सरगुजा के श्रीमान सिंह जी, किनके सुपुत्र देवेंद्र सिंह जी, आज उन्होंने भय आतंक का वातावरण पैदा करके जान से धमकी मतलब दे करके जान से मारने की उन्होंने घर में प्रवेश किया और वहाँ उनके बुजुर्ग माता पिता से इतनी मारपीट की खून से लहूलुहान उनको होना पड़ा माता जी को, जिन तीन टांके हुए, ये साधारण चोट नहीं, ये गंभीर चोट के दर्जे में आएगा उसमें। तो ये लीगल पॉइंट ही बोलता है कि 452 घर में अनधिकृत प्रवेश करना और सीधा सीधा जान से मारने की धमकी देकर वहाँ पर 307 मुकदमा इसमें कायम होना चाहिए, इसमें जान से मारने का प्रयास हुआ है। और आज अगर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी सांसद का पुत्र है तो सीधा सीधा 294 धारा बता रहे हैं उसके हिसाब से और 323 बहुत सिंपल सी धारा है, बेलेबल सेक्शन है। तो ये इसमें तो पूरी नॉन बेलेबल सेक्शन 307 452 506B ये सब बड़ी धाराएं करके उनको पुनः अरेस्ट करना चाहिए। और इसमें प्रदेश के गृह मंत्री जी, DGP और माननीय मुख्यमंत्री को ये मामला चूंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसमें गंभीरता पूर्व विचार करके पुनः कार्रवाई करना चाहिए। और जो गलत धाराएं जो लगाई हैं, भाई घटना तो घटी है, खून से लथपथ है, तीन टांके आई हैं, मतलब चोट काफी गंभीर है, इसमें कोई नकार नहीं जा सकता। अब चूंकि शासन BJP की है तो डॉक्टर की रिपोर्ट भी शासन के हाथ में है, वो मनचाहे रिपोर्ट बना लेंगे, साधारण चोट देगी, 323 मुकदमा कायम करेंगे और 2 में धारा लगा के सीधा बेल कर दिए उठा के, जैसा आपका रिपोर्ट में आरोप उस तरीके से तो दिखाई पड़ रहा है जी। तो दिखाई पड़ रहा है, ये साफ है कि प्रेशर होगा। दूसरा एक सवाल दिन भर उठता रहा इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कि एक प्रतिनिधि के हाथ में पुलिस का बेल्ट जो है आया कैसे, और जाहिर तौर पर इसके बारे में पुलिस अधिकारी भी कहते हैं कि अभी जांच करवाई जाएगी। देखिए, बेल्ट तो अलग मुद्दा हो गया, जो घटना घटी वो सत्य घटना है, पुलिस को उस तथ्य में जाना चाहिए और अरेस्टिंग का जो धारा जो लगी है उस अधिकारी को सस्पेंड भी करना चाहिए जो नॉमिनल धारा लगा के जो उनको बचाने का जो प्रयास किया गया है। अपराध तो अपराध है, चाहे विधायक का पुत्र करे, सांसद का पुत्र करे, जब जेल तो जा सकती है, लालू यादव जा सकते हैं, तो सांसद के पुत्र कौन से VIP है कि इनको छोड़ा जा रहा है, पहली बात। तो ये 307 का सीधा मुकदमा बनता है, प्राइम बेसिक मामला बनता है, इसमें सीधा उनको अरेस्ट करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करके पुनः उनको अरेस्टिंग करवाना चाहिए। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की आज जो स्थिति बन रही है सरगुजा से लेकर रायपुर तक के दमनकारी जो चक्र बना रहे हैं, इससे निश्चित उनकी पार्टी छवि धूमिल हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई शक नहीं। सुंदरानी जी, आपके सामने पूरा मामला, हालांकि पार्टी के तमाम नेता, खुद गृह मंत्री कहते हैं कि कार्रवाई कराएंगे, लेकिन आप किन धाराओं में मामला दर्ज करते हैं यहीं से मंचा पर सवाल भी उठते हैं, और पहली बार ऐसा आचरण नहीं हुआ। आपने इलाके के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को सुना, वो कहते हैं कि पहले भी ऐसा आचरण उनका दिखाई पड़ा है, और ऐसा क्यों ना हो जब खुद जिनके पुत्र हैं वो कहते हैं किसी को धमकाते हुए कि मेरा बेटा 10 मारेगा किसी अन्य प्रकरण में, तो क्या माने आप इसे, पार्टी के साथ में क्यों ना लोग इसे जोड़ेंगे।
देखिए, पार्टी के साथ इस मुद्दे को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पार्टी कहीं बचाव में नहीं खड़ी है। पार्टी अगर बचाव में खड़ी होती तो शायद ये अपराध भी दर्ज नहीं होता। और हमारी पार्टी का ऐसा आचरण कभी रहा भी नहीं है। रहा सवाल, सांसद पुत्र ने अगर किसी के घर में घुसकर मारपीट की है, प्रारंभिक रूप से FIR दर्ज हुई, जो धाराएं लगनी थी वो लगी है, डॉक्टर की रिपोर्ट और उसके बाद जो अन्य जानकारियां पुलिस प्रशासन के पास आएगी, बाद में भी धाराएं चेंज होती है। अगर वे इस प्रकार की घटना करते रहे, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी यहाँ आने के बाद और अखबार में पढ़ने के बाद ही यह जानकारी हुई थी। लेकिन आप अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने आए सुंदरानी जी, एक एक बात आप अगर ये कहते हैं कि पार्टी का इससे सरोकार नहीं, तो क्या पार्टी ऐसे नेताओं को या नेता पुत्र को अपने से अलग नहीं करना चाहिए? क्योंकि पूरी इमेज का आज के दौर में सबसे बड़ा रोल होता है, किसी पार्टी के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए हो, किसी संस्था के लिए हो। कोई एक व्यक्ति लगातार दाग पर दाग लग रहा। पहले का जो पूरा प्रकरण है अप्रैल महीने का था, 12 अप्रैल के आसपास की घटना थी, वो भी आपको याद होगा, फोन पर किस भाषा का इस्तेमाल किया था खुद जिम्मेदार नेताजी ने। अब उनके पुत्र का ये मामला सामने आया, दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं और दोनों आपकी पार्टी से जुड़े हुए बताया जाते हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है, कोई समाचार छापने या गलत समाचार हो सही हो उसका हम खंडन कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकतें प्रजातंत्र में कहीं भी उचित नहीं। अगर उसने किया है तो उसकी दोष की सजा उसको मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी उसके बचाव में कहीं खड़ी नहीं। लेकिन अपने आप को पार्टी ने अब तक अलग भी नहीं किया, अलग बयान से तो कर लिया है, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों से अलग भी नहीं किया। गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है पुनीत जी की हम कार्रवाई करेंगे जी, लेकिन मैंने कहा ना शुरुआती मंशा पर भी एक सवाल। चलिए मैं आता हूं आपके पास राजेंद्र तिवारी जी, आपको लगता है यहाँ मंशा करेक्ट है और यहाँ जो अपने आप को अलग किया जा रहा पॉलिटिकली करेक्ट है? देखिए पुनीत जी, आपने इस परिचर्चा के प्रारंभ में जो कहा, जो कुछ भी शुरुआत जो किया, वो जनाभिव्यक्ति है, वो उद्धृत करता है आम जनता की भावनाओं को। ये सांसद का पुत्र जो है, ये इसकी अकेले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। ये जिस सांसद पुत्र की बात कर रहे हैं तो छुट्टा साढ़ है। मैं आज कोर कमेटी की बैठक में था, हमारे समन्वय समिति की बैठक से जब मैं निकला तो विपक्ष के नेता श्री टीएस सिंहदेव से मैंने बात किया कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले एक लखनपुर ब्लॉक में एक लटोरी गांव है, वहां एक हत्या हुई। ये देवेंद्र सिंह हत्या के मुलजिम को थाने से निकाल के, थाने की कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से निकाल करके ले करके गया, अभी बरतरा करके, बिन करा करके एक गांव है, एक हफ्ते पहले की बात है, 6-7 लड़कों को इसने अपने साथियों के साथ में इस बुरी तरह से पीटा कि जिसकी कोई परिणति नहीं है। तो ये पूरी तरह से अब तो ऐसा लगता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, जिस सांसद को लोगों की रक्षा करने का दायित्व तो वहां की जनता ने सौंपा है, उनका पुत्र इस तरह से निरंकुश होकर के पीट रहा है। और जैसा भी राजेंद्र राय ने कहा, ये होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई सामान्य आदमी होता पुनीत जी, तो उसके खिलाफ 452 का, जैसे घर में घुस के मारने का मामला तो लगता ही लगता, साथ में 307 का मामला भी लगता, अटेम्प्ट टू मर्डर, मगर ये सांसद पुत्र है। मेरे भाई श्रीचंद सुंदरानी तो बड़े सीधे साधे और सज्जन है, लड़ाई झगड़े मारपीट से दूर रहते हैं, ये मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो उनको वो इसके बारे में ज्यादा क्या बोलेंगे, क्योंकि ये लड़का तो पूरी तरह से निरंकुश है, किसी आम आदमी के साथ हुआ रहता और कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ हुआ रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ऐसा अगर कर दिया होता, हालांकि हम लोग करते नहीं इस तरह का काम, हम तो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, इस तरह के निरंकुश और गुंडागर्दी वाले इन्हीं की पार्टी में भरे पड़े हैं, तो आज वो 307 में अंदर होता और पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे होते। मेरे को एक सवाल और भी करना है यहां बैठे हुए कि वो पुलिस का बेल्ट कहां से प्राप्त किया? इसका मतलब है कि पुलिस वाले साथ में गए थे उस पत्रकार के माता पिता को मारने के लिए? ये
बहुत और बेहद गंभीर बात है। उस बुजुर्ग के साथ जिस तरह की मारपीट हुई है, हम सब उसकी तीखी निंदा करते हैं। आपके और तमाम सवालों का उत्तर भी मैं लूंगा। एक परिवार जो पीड़ित इसका है वो कहता है कि 52 गांव मेरे हक में है, एक जनप्रतिनिधि का बेटा, एक खुद जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसा कहता, वो भी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सत्ता में 3 टर्म से बनी, चौथी टर्म के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बन रही है, उसके किसी प्रतिनिधि का ऐसा कहना। और ऐसे कई सारे प्रकरण, यूपी में भी एक प्रकरण आज ही सामने आया है जिसमें माफी मंगवाई गई एक दलित टीचर से क्योंकि उसकी टिप्पणी पसंद नहीं आई थी। इसी तरह के कई मामले भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधियों के सामने आ रहे हैं, वो भी तब जबकि आचरण को लेकर बार बार मीटिंग्स में ओपनली और अंदर भी ताकीद किया जाता है। सुंदरानी साहब, इन सब का असर पड़ता है छवि पर। फिर आपसे पूछेंगे, क्या पार्टी ऐसे लोगों को खुद से अलग करेगी? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी कभी किसी गलत आचरण को बढ़ावा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी का ये व्यवहार भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के साथ गलत व्यवहार करे यह पार्टी को भी मंजूर नहीं है। अगर बातें तथ्यात्मक रूप से सामने आएगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको संज्ञान में लेगी और गंभीरता से कार्रवाई करेगी। जहां तक मारपीट का मामला है, ये सीधा सीधा पुलिस से जुड़ा मामला है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पहले गिरफ्तार। चलिए मैं एक बार फिर आपके तसल्ली के लिए राय साहब से पूछता हूँ। राय साहब, क्या इस मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई आपको उचित लगती है? शुरुआती कार्रवाई ही गलत है उनकी। समाचार पत्रों में स्पष्ट दिया हुआ है कि दल बल साथ पहुंचे। दल बल संख्या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। 5 मतलब डकैती की संख्या में आ गया। 147 समूह आपने विद्युत जमाव इकट्ठा किया और घटना आपने कारित किया। ये 147, 148 तो बिल्कुल स्पष्ट धारा बनता है। 307, 401 स्पष्ट है। तो पुलिस इस एंगल में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आदरणीय सुंदर ने विधायक जी कह रहे हैं कि पार्टी हित के बात नहीं हो रही, मुलजिम की बात हो रही है। तो इन धाराओं को मैं सुंदरानी जी से कहना चाहूंगा, तो आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं, सबसे हमारे वरिष्ठ हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी अध्ययन करूंगा। इस मामले में गंभीरता से पार्टी में मुद्दा उठाए और निश्चित इनको इतने धारा में 452, 307, 325, 506, 147, 148 इतने सारे सेक्शन में मुलजिम बनाए, तब उसको जो परिवार जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे तो ये भी जा रहा है कि ये प्रेशर चौतरफा जब दिखाई दिया तब ये गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनको फौरन छोड़ा भी गया। तिवारी जी, क्या इस मामले थोड़ा सा और बचा है? जी जी कहिए। मैं 2014 में कोरबा गया था चुनाव में, तो मैं थाने में बैठा था, मेरे पास में 395, 394 लूट हत्या सब धारा मेरे ऊपर लग गया था। यही भारतीय जनता पार्टी वही संघ के लोग हैं, और इसके ज्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं? अगर फर्स्ट मार हम तो थाने में बैठे थे, थाने में बैठे बड़ी बड़ी धाराएं लग गई। ठीक बात है। तिवारी जी, क्या इस मामले में न्याय की उम्मीद की जा सकती है? जो जनप्रतिनिधि खुद कह रहा है कि मैं 52 जो गाँव है वो मेरे अधीन है, मेरे अंतर्गत है, ये भाव अपने आप नहीं दर्शाता कि आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी राजेंद्र राय ने जितनी बात कही, जितनी धाराएं बनाई हैं, बताई है, अब ये तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, उसके बाद में राजनीति में आए हैं, तो जितनी धाराएं इन्होंने बताई है उसमें एक चीज और जोड़ दो कि ये सारी धाराएं आम जनता के लिए है, सत्ताधीशों के लिए नहीं है। ये तो ये ऐसा है, संयम भय कोतवाल, अब डर काहे का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का वो सांसद है जिसका पुत्र है वो, तो उनके लिए सारी सारे उनके सारे गुनाह माफ, मगर आम जनता करे। तो इस प्रदेश में पुनीत जी हालत ये है कि विधायक तक तो सुरक्षित नहीं है, जिस बेरहमी से महासमुंद विधायक की पिटाई हुई है, ऐसा लगता है कि आम जनता कहां से सुरक्षित रहेगी। और आपने कहा कि न्याय की बात, दूर दूर तक न्याय की उम्मीद नहीं है इसमें। जिस तरह से बचाने का प्रयास हो रहा है कायदे से, तो उस लड़के को जेल में डाल देना चाहिए। दफा थी, मैं तो बहुत ज्यादा धाराएं नहीं जानता हूं, मगर मुझको लगता है कि उनकी हत्या होने में कोई कोर कसर नहीं रखी गई। चलिए सुंदरानी साहब, कोई फाइनल कमेंट इस पर करेंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, करेंगे, आने वाले वक्त में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं, कुछ चीजें जो साफ तौर के ऊपर सामने दिख रही हैं, पहले के जो तमाम अध्ययन है इस परिवार के बारे में और खास तौर से जिसके ऊपर आरोप लगे उस आरोपी के बारे में, वो भी आपके समक्ष है। कैसे पार्टी और कब तक अलग करती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं को कोई बचाने के लिए सामने नहीं आती, न ही भारतीय जनता पार्टी का ऐसा आचरण है। रहा सवाल सांसद पुत्र के द्वारा जो आज घटना की है कल, उसमें निश्चित रूप से पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, भारतीय जनता। चलिए मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, आप बताएगा, बड़ा संक्षेप में बताएगा, क्या पार्टी के भीतर कभी ऐसे लोगों से सवाल नहीं पूछा जाता? जब पार्टी से इतने सवाल ऐसे व्यक्तियों को लेकर पूछे गए,
क्या आप इनसे सवाल नहीं पूछते कि आचरण ऐसा कैसे करते हैं इतनी जिस फोरम में निर्देशों के बावजूद जिस फोरम में पूछा जाना चाहिए निश्चित रूप से पूछा जाता है पूछा जाएगा कहीं पे भी बख्शने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में नहीं है। चलिए आप कह रहे हैं लेकिन क्या कार्रवाई करती है क्योंकि इस वक्त जैसा शुरुआत में आप सब कह रहे थे कि जो जनता के सेंटिमेंट्स हैं वो हम तक और हम आप तक पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लगातार सत्ता में बनी हुई पार्टी उसका आचरण कैसा होना चाहिए आप ही के वरिष्ठ नेता बार बार ताकीद करते रहे हैं खुले मंचों पर भी और भीतर भी लेकिन किसी के बयान या कृत्य से खुद को अलग करने के बजाय क्या ऐसे लोगों को अलग नहीं करना चाहिए जिन पर सत्ता की ऐनक जिनके व्यवहार में इस कदर दिखाई पड़ने लग गई है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी है और वो कहीं ना कहीं इमेज को भी नुकसान पहुंचा रही है। आप निर्णय लेने वाले हैं आप लोग निर्णय लेने वाले हैं कैसे निर्णय लेते हैं और क्या कदम उठाते हैं जरूर हम देखेंगे। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए नमस्कार।